सालों के बाद फिर मुकम्मल सूरज ग्रहण रमजान की ताक रातों को चीर के ईद से दो दिन पहले 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला है। ये सूरज ग्रहण तमाम बुर्ज वालों पे बेचैनी के असरात वाजह कर देगा और रमजान की अमावस को ग्रहण में तब्दील कर देगा। खुसूसन सियासतदान, मजहबी रहनुमा या रूहानी काम करने वालों पर इसका खास असर होगा। तभी वो हस्ब तौफीक पीली चीज और गोश्त का सदका निकालें। अगर दामन में वसत ज्यादा है तो हस्ब तौफीक सोना लेके किसी मुस्तहक को दे दें। अगर दामन में वसत कम है तो हस्ब तौफीक गंदम लेके किसी मुस्तहक को दे दें। इंशाल्लाह तमाम नहस असरात से वो अल्लाह की पनाह में रहेंगे। और बुर्ज लियो एरीज सेजिटेरियस यानी आतिशी बुर्ज अपने वजूद में चिड़चिड़ापन और गुस्से में तल्ख फैसले करने लगेंगे। उनको चाहिए कि सब्र और इत्मीनान को कायम कर दें। बुर्ज कैंसर स्कॉर्पियन और पाइसिस वाले जल्दबाज और मोहब्बत को तलाश करेंगे और रहम या हमदर्दी में किसी नुकसान की तरफ जा सकते हैं। उनको चाहिए कि वो अपने आप को इमोशनल फैसलों से दूर कर दें। और बुर्ज टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन वाले किसी ख्वाहिश में मुब्तला होंगे। हो सकता है अपना माल किसी गलत जगह पे लगा दें या किसी गलत इंसान के मशवरे में आके अपना कोई बड़ा फैसला कर दें। तभी वो ग्रहण से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद बड़े फैसले से दूरी इख्तियार करें, बड़े सफर से दूरी इख्तियार करें। लेकिन अगर सफर करना जरूरी है तो कोशिश करके पीली चीज और गोश्त का सदका निकाल के कदम बढ़ा सकते हैं। और बुर्ज जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस वाले अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। तभी जितना हो सके वो खुद को छोटी-छोटी खुशियों में मसरूफ करें और अपनी जबान को मीठा रखें। अल्लाह के करम से वो तमाम नहस चीजों से अल्लाह की पनाह में होंगे। इस ग्रहण का खास इस्मे आजम या गफ्फार और या रज़ाक 207 मरतबा पढ़ना है। और अगर उसके साथ 207 मरतबा सूरह कदर पढ़ के अपने लिए दुआ मांगते हैं तो वो भी दुआओं की कबूलियत के लिए गैबी असबाब पैदा करेगा। इस ग्रहण का वक्त पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 8 अप्रैल 2024 पीर के दिन रात 8:40 से शुरू होगा, जिसका उरूज 11:25 पे कायम होगा और जिसका इख्तिताम 8 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चला जाएगा, यानी 9 अप्रैल रात 2:10 पे खत्म होगा। इसका एहतियात अगर इंसान 8 अप्रैल शाम 5 से लेके 9 अप्रैल सुबह 9 तक करे तो अल्लाह के करम से तमाम नहस चीजें दूर होंगी।